विश्व आदिवासी दिवस के विशेष मौके पर तहसील भर में आदिवासी समुदाय द्वारा कसरावत नगर में जुलूस निकालकर अपनी परंपरा और संस्कृति का बखान किया। आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जाता है। ऐसे में जिले भर में आज विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। विधायक सचिन यादव द्वारा आदिवासियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, साथ ही कसरावत क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीणों द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक सचिन यादव ने कहा कि आदिवासी समाज मध्य प्रदेश की पहचान है। आदिवासी समाज के योगदान से ही पूरे प्रदेशों में भी मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ता है। आदिवासियों की जो भी समस्या होगी उसे कमलनाथ सरकार में निदान किया जाएगा। कसरावत से किल खान की रिपोर्ट। आज भैया आदिवासी दिवस में आज आदिवासियों का सम्मान किया, क्या संदेश देना चाहूँगा आदिवासियों? मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समस्त हमारे जो आदिवासी भाई हैं सबको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूँ। और हम सब लोग यही आशा उम्मीद करते हैं कि हमारे जो आदिवासी साथी हैं वो निरंतर उन्नति करें, तरक्की करें। हमारा कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये कोशिश और प्रयास रहा है कि हमारे आदिवासी भाइयों को हम लोग मुख्य धारा में लेकर के आएं, और निरंतर हमारी कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश जारी थी, है और हमेशा रहेगी। और कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर हमारे आदिवासी साथियों को अधिकार संपन्न बनाने का निर्णय और फैसला लिया है, और पुनः मैं समस्त हमारे जो आदिवासी साथी हैं उनको पुनः मैं इस आदिवासी दिवस की, विश्व आदिवासी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। देश में कहीं ना कहीं आदिवासी आज भी पिछड़ा नजर आते हैं, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के आज दर दर भटक रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पिछले 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही है, और इन 20 सालों में जिस प्रकार से हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो व्यवहार हुआ, जो बर्ताव हुआ, जो उनके साथ शोषण हुआ, जो उनके अधिकारों का हनन होने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने के दौरान हुआ है, और जिस प्रकार से लगातार हमारे आदिवासी भाइयों के साथ जो घटनाएँ घट रही हैं, चाहे हम नेमावर की घटना ले लें, चाहे हम नीमच की घटना ले लें, चाहे अभी पूरे भारत को शर्मसार करने की जो घटना अभी सीधी में घटी, जहां पर एक हमारे आदिवासी भाई के साथ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, विधायक प्रतिनिधि ने उस व्यक्ति के ऊपर सीधे साधे भोले भाले आदिवासी भाई के ऊपर जो कृत किया वो सबने देखा, और ये जो कृत हुआ है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो अहंकार आज इनके मन में आ गया है, इनके शासनकाल में आ गया है, और जिस प्रकार से लगातार ऐसे व्यक्तियों को शासन के द्वारा बचाने की कोशिश की जाती है, शासन के द्वारा संरक्षण देने की कोशिश की जाती है, उसी का परिणाम है कि इस तरह का घिनौना कृत जिसने पूरी मानवता को शर्मसार करने का काम किया है। अभी एक सिंगरौली के अंदर भी भाजपा द्वारा निश्चित रूप से देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर इस तरह की घटनाएं घटित की जा रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, और ये लगातार जो घटना है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों का हाथ हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमारे जो आदिवासी भाइयों की तरफ है, ये इनकी सोच, इनकी मानसिकता को दर्शाता है। जैसे शासन हर बार आदिवासी दिवस पे छुट्टी घोषित करती है और इसके बाद वो छुट्टी कैंसिल कर देती है। देखिए, ये जो इनकी कृत है, इनकी जो मैंने पहले भी कहा, इनकी जो मूल भावना है वो मूल भावना हमारे आदिवासियों के विरोध में है, और ये समय समय पर इनकी जो भावना है, इनकी भावनाएं स्पष्ट रूप से लोगों के सामने, इनकी भावनाएं सामने आ जाती हैं, और यही कारण है कि लगातार ये हमारे आदिवासी भाइयों की जो कार्यक्रम होते हैं, उनकी योजनाएं होती हैं, उनको लगातार बंद करने का काम भी करते हैं, उनको कम करने का काम भी ये लोग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।